बच्चों, हम सामाजिक विज्ञान में राजनीति के अंतर्गत राजनीतिक दल के बारे में पढ़ेंगे। दल आप लोग जानते हैं कि ढेर सारे दल होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, क्षेत्रीय दल भी होते हैं और स्थानीय दल भी होते हैं, और कई जो हैं निर्दलीय भी होते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि राजनीतिक दल क्या है। जिस तरह से ये दिया हुआ है, राजनीतिक दल क्या है, तो हम देखेंगे कि दल कितने प्रकार के होते हैं। दल सबसे पहले क्या है, ये ऐसा एक संगठित समूह है जो चुनाव लड़ने के लिए, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए और एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल बनाए जाते हैं। फिर राजनीतिक दल के तीन प्रमुख हिस्से होते हैं, नेता, सक्रिय नेता और अनुयायी और समर्थक। जैसा आप लोग देखते होंगे कि हमारे देश में जो है, एक नेता के साथ साथ उनके कई सक्रिय अनुयायी भी होते हैं, सक्रिय नेता भी होते हैं जो कि उनका समर्थन करते हैं। यहाँ राजनीतिक दल के जो कार्य दिए, सरकार बनाना या चलाना, कानून बनाना, चुनाव लड़ना, विपक्ष की भूमिका निभाना और जनमत का निर्माण करना, इससे ये होता है कि कम से कम एक दल होने से जो विचारधारा है, संगठन है, वह सामने आती है। फिर यहाँ देखेंगे दलों की आवश्यकता क्यों है, राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है। यहाँ पर हम देखेंगे प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है, फिर देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक है, फिर सरकार की नीतियों या अंकुश बनाने के लिए आवश्यक है, और फिर समाज जो है बड़े और जटिल, मतलब जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तो वहाँ पर भी विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए भी राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। फिर यहाँ प्रांतीय दल बनाओ राष्ट्रीय दल। अब यहाँ पर ही देखेंगे कि प्रांतीय दल बनाओ राष्ट्रीय दल जो है, जब कोई दल जो है राज्य विधानसभा में चुनाव में पड़े हुए कुछ मतों के लिए 6% या अधिक हासिल करती है तो कम से कम सीटों पर जीत हासिल करना आवश्यक हो जाता है, जिससे कि राजनीतिक दल के रूप में उसको मान्यता मिल जाती है। फिर अगर कोई दल जो है लोकसभा चुनाव में पड़े वोट के अथवा 4 राज्य विधानसभा चुनाव पड़े कुल वोटों के 6% हासिल करता है तो लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करना आवश्यक हो जाता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे वंशवाद को चुनौती, कई बार आप देखते होंगे कि एक ही वंश के, जैसे कांग्रेस पार्टी है, इसमें वंशवाद जो है वह एक ही परिवार का सदस्य जो है वह उस पार्टी को चला रहा है। फिर आपराधिक तत्वों की घुसपैठ, पारदर्शी का दर्शिता का अभाव और विकल्पहीनता और आंतरिक जो लोकतंत्र का अभाव होता है, ये कुछ पाए जाते हैं, जिसमें आपराधिक तत्व भी इसमें घुस जाते हैं, क्योंकि वे डरा कर लोगों को धमका कर अपने पक्ष में लोगों को करने की कोशिश करते हैं। फिर पारदर्शिता का अभाव पाया जा जाता है, क्योंकि वहां पर जो है डर के कारण लोग कई बार काम ऐसे कर जाते हैं जिसमें कि जो होना चाहिए वैसा स्पष्ट नहीं हो, पारदर्शिता नहीं दिखता है। फिर विकल्पहीनता, फिर आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, आंतरिक लोकतंत्र जो होती है उसका अभाव पाया जाता है कि लोग क्या करते हैं, कुछ घंटों में ही लोग कुछ बोलते हैं और करते कुछ हैं। इस तरह से राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ सुझाव दिए गए हैं, जैसे दल बदल कानून हो सख्त किया जाना चाहिए, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को रोक होना चाहिए, और फिर राजनीतिक दलों में समय समय पर संगठित चुनाव होने चाहिए और राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज में पारदर्शिता बनाए रखना चाहिए। फिर राजनीतिक पार्टी एक ऐसा समूह है जो चुनाव लड़ने के लिए, उद्देश्य को पूरा करने के लिए राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ कुछ लोग जो नीति और कार्यक्रमों के दलों में सहमत होते हैं। फिर इसी तरह से राजनीतिक पार्टी लोग इस बात का भरोसा दिलाती है कि जो उनकी नीतियां हैं या अन्य पार्टियों से बेहतर हैं, और चुनाव जीतने की कोशिश करती है और अपनी नीतियों को लागू करने का प्रयास करती है। इसी तरह से राजनीतिक पार्टियां हमारे समाज में मूलभूत राजनीतिक विभाजन का प्रतिबिंब होते हैं, क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी समाज की किसी भी बात खास पार्ट का प्रतिनिधित्व करती है, जो कि पार्टी सिटीजनशिप की बात करती है, जो कि पार्टी की पहचान उससे ही बनती है। फिर यहाँ पर राजनीतिक पार्टी तीन आवश्यक तत्व होते हैं, नेता, सक्रिय सदस्य और अनुयायी। आप देखेंगे यहाँ पर राजनीतिक पार्टी का, राजनीतिक पार्टी के पदों को भरना, सत्ता का इस्तेमाल करना किसी भी पार्टी का मुख्य कार्य होता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक पार्टियां निम्नलिखित कार्य करती हैं, जैसे कि चुनाव लड़ना। क्या करती है, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वह चुनाव लड़ती हैं, निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान पर उतारती है।
नीति बनाना मतलब कुछ नियम में बनाते हैं, अपनी कार्यक्रम बनाते हैं कि हम क्या करेंगे। जब अपने नीति बनाती है तो वह नीतियों के कार्यक्रमों को जनता के सामने प्रस्तुत करती है, और साथ ही इस बात को मदद मिलती है कि एक पार्टी के चुनाव कर सके और राजनीतिक पार्टी की मानसिकता वाले लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को जो है मतदाता को एक ही छत के नीचे लाने का भी काम करती है, जिससे कि जनता सरकार बनाने के लिए चुनती है और उसके बाद फिर पार्टी को अपनी नीतियों और कार्यक्रम के मूर्त रूप की अपेक्षा करती है। जो उनने नीति बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं, उसको वह पालन करे। फिर उसके बाद है कानून बनाना। हम जानते हैं कि विधायक समुचित बहस और कानून बनता है, लेकिन विधायक ज्यादातर सदस्य जो राजनीतिक पार्टियों के जो सदस्य होते हैं उन्हीं के माध्यम से बनता है, क्योंकि वे बहुमत दल के नेता होते हैं और उनके प्रक्रिया के अनुसार ही कानून बनाए जाते हैं। फिर सरकार बनाना, बहुमत दल के नेता को सरकार बनाया जाता है, जो भी पार्टी चुनाव जीतती है उसको सरकार का गठन किया जाता है या सत्ता पार्टी के लोग ही कार्यपालिका का गठन करते हैं। फिर विपक्ष की भूमिका, जो पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाती है उसको विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ती है। फिर जनमत का निर्माण, राजनीतिक पार्टी का एक महत्वपूर्ण काम होता है जनमत का निर्माण करना, और फिर देखेंगे कि सरकारी मशीनरी तक लोगों को पहुंच बनाना। तो यहाँ पर राजनीतिक पार्टी लोगों के सरकारी मशीनरी के बीच तक एक कड़ी का काम करती है, जो कि जनकल्याण योजनाओं लोगों तक पहुंचाती है। तो राजनीतिक पार्टी की जरूरत क्यों है? लोकतंत्र तो एक अभिन्न अंग होती है, क्योंकि ये पार्टी जो होती है हर उम्मीदवार को एक स्वतंत्र उम्मीदवार होगा, और भारत जो है लोकसभा में कुल जो है 543 सदस्य हैं, जिसमें कि सभी सदस्य जो हैं वह स्वतंत्र रूप से चुनकर जीतकर आएगा, तो ऐसी स्थिति बड़ी भयावह हो जाएगी। इसलिए इसमें जो कोई भी दो सदस्य जो होते हैं एक दूसरे के मुद्दे पर एक ही तरह के सोचने में असमर्थ होगा, और यह सांसद हमेशा जो है चुनावी क्षेत्र में जो है यह सोचेगा और राष्ट्रहित को दरकिनार कर सकेगा। इसलिए कई लोगों के मत जो होते हैं एक साथ कभी नहीं हो पाता है, और साथ ही साथ ये कई सोच ऐसे राजनेताओं को एक मंच पर लाने का भी प्रयास करते हैं, ताकि सभी लोग अपना कार्य कर सकें या एक मुद्दे पर विचार कर सकें। तो इस तरह से अब पूरे विश्व पर प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र को अपनाया गया है, जिसमें कि यथार्थ संभव है कि नागरिक जो प्रत्यक्ष रूप से सरकार चलाने का योगदान देती है। फिर देखिए कितने राजनीतिक दल, कुछ देशों में एक ही पार्टी होते हैं और कुछ में देशों में दो पार्टियां होती हैं, और कुछ देशों में अनेक पार्टियां होती हैं, जैसे कि अपने भारत में जो है अनेक पार्टियां हैं। किसी देश में प्रचलित पार्टी सिस्टम के कई ऐतिहासिक और सामाजिक कारण होते हैं, जिस तरह से सिस्टम गुण और दोष दोनों ही पाए जाते हैं। चीन में एकल पार्टी सिस्टम है, लोकतंत्र के दृष्टिकोण से यह सही नहीं है, एकल पार्टी सिस्टम लोगों के पास कोई विकल्प ही नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में ये दो पार्टी सिस्टम है, ऐसे सिस्टम में लोगों के पास विकल्प होता है। अब भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, यहाँ पर लोगों के पास समाज में भारी विविधता है, और इसके साथ साथ मल्टी पार्टी सिस्टम से विकसित हुई है, और साथ ही साथ इस तरह से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन जाता है और सरकारें एक दो साल में ही बदल जाती है। इस तरह से हम देखेंगे कि जो विविधतापूर्ण देश में अलग अलग हितों की मतधारणाओं की सही प्रतिनिधि मल्टी पार्टी सिस्टम जो है वह संभव नहीं हो पाते। फिर आजादी के बाद जो शुरुआती दिनों से लेकर 1977 से भारत में केंद्र केवल कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनती आ रही थी। 77 से 80 के बीच जनता पार्टी की सरकार बनी, फिर उसके बाद 80 से 89 के बीच कांग्रेस की सरकार बनी, फिर 2 साल के अंतराल में फिर 91-96 कांग्रेस सरकार रही, फिर गठबंधन की सरकार बनी। इसी तरह से हमारे यहाँ जो मल्टी पर्पस जो पार्टियाँ हैं उससे इस तरह से बहुत सारी समस्याएं जो हैं उसका सामना करना पड़ता है। फिर राजनीतिक दलों में जन भागीदारी, एक लोगों में आम धारणा यह बैठ गई राजनीतिक पार्टियों के प्रति उदासीन हो गए हैं, लोग राजनीतिक पार्टियों पर भरोसा नहीं करते। अब दूसरा है जो सबूत उपलब्ध होते हुए बताते हैं कि धारणा भारत के लिए कुछ हद तक सही है, क्योंकि कई दशकों से किए गए सर्वे से प्राप्त सबूतों के आधार पर निम्न बातें सामने आती, जैसे कि पूरे दक्षिण एशिया में लोगों के विश्वास राजनीतिक पार्टियों से उठ चुका है। एकदम भरोसा नहीं या बहुत भरोसा नहीं या कुछ भरोसा या पूरा भरोसा करते हुए ऐसे लोग अधिक लोगों की संख्या अधिक थी, जिसमें कि एकदम भरोसा नहीं या बहुत भरोसा नहीं करते थे। तो इस तरह से पूरी दुनिया में राजनीतिक दलों पर जो कम ही भरोसा करते हैं और उन्हें संदेह की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, मतलब करनी और कथनी दोनों में ही आजकल अंतर आ चुका है, क्योंकि वादे करते हैं लेकिन उस वादे को भूल जाते हैं, वह फिर बाद में नजर नहीं आते हैं।
इस तरह से दलों की राजनीतिक दलों क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए आती है और स्थिति अलग अलग होती है। इस तरह से देशों की तुलना भारत में कई ऐसे लोगों का अनुपात अधिक है जिसमें माना कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं है। ऐसे लोगों का प्रतिशत भी बढ़ा है जिसमें माना कि किसी राजनीतिक पार्टी के वे सदस्य हैं। और अवधि ऐसे कुछ लोगों का भी अनुपात बढ़ा है जो कि लगता है कि राजनीतिक पार्टी के करीब हैं। फिर देखेंगे राष्ट्रीय पार्टी। भारत में निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए स्वतंत्र संस्था जिसका नाम चुनाव आयोग है, वह राजनीतिक पार्टी को चुनाव आयोग के रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और चुनाव आयोग की नज़र में हर पार्टी समान होती है, लेकिन बड़ी स्थापित पार्टियों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल उस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है जिन पार्टियों में यह विशेषाधिकार मिलता है या मान्यता प्राप्त पार्टी कहते हैं। इस तरह से राज्य स्तर की पार्टी जो होती है वह जिस पार्टी की विधानसभा चुनाव में कुल वोट जो है कम से कम 6% मिलने चाहिए। फिर राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां जो हैं उसमें लोकसभा की जो चुनाव है उसमें कम से कम जीतनी चाहिए और चुनाव कम से कम 6% वोट मिलते हैं और लोकसभा कम से कम 4 सीट जीतती है तो इसमें राष्ट्रीय स्तर की पार्टी की मान्यता उसको मिल जाती है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इस तरह का कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता है, यह बहुत पुरानी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी, इसकी स्थापना भी 1980 में हुई थी, यह भी भारतीय जनसंघ के पुनर्जन्म के रूप में माना जाता है। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और आधुनिक भारत का निर्माण करना है। तो इस तरह से हम देखेंगे। फिर इसी तरह से यह पार्टी पहली बार जो है 1998 सत्ता में आई थी, 2004 तक शासन किया, उसके बाद यह पार्टी 2014 में सत्ता में आई। फिर बहुजन समाज पार्टी, इस पार्टी की स्थापना कांशीराम के नेतृत्व में 1984 में हुई थी, यह बहुजन समाज पार्टी की सत्ता कहलाती है। इसमें दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आते हैं। पार्टी की पकड़ जो है उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छी है। फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या मार्क्सवादी, इसकी स्थापना जो है 1964 में हुई थी। इस पार्टी का मुख्य विचारधारा मार्क्स और लेनिन के सिद्धांतों पर आधारित था। इस तरह से हम देखेंगे यह पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा में अच्छा समर्थन इसको प्राप्त है। फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना जो है 1925 में हुई थी और इसकी नीतियां जो है CPMIS से मिलती जुलती है, जो 1964 पार्टी में विभाजन के बाद यह कमजोर पड़ गई थी, लेकिन बाद में यह केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में ठीक ठाक समर्थन यह प्राप्त कर चुका था। फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के फूट और परिणाम का स्वरूप यह था 1999 इस पार्टी का जन्म हुआ और इस पार्टी में लोकतंत्र, गांधीवाद, धर्मनिरपेक्ष समानता, सामाजिक न्याय, संघीय ढांचे की वकालत करती है। फिर क्षेत्रीय पार्टियों का उदय, इसमें कई पार्टी महत्व बड़ा, यहाँ पर भी क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ जिसमें लोकतंत्र फैलाव और उसकी गहरी होती चली गई जड़ों को दर्शाता है कि यहाँ पर जो है समाजवादी पार्टी, बीजू जनता दल, ADMK, DMK आदि क्षेत्रीय पार्टी के इसके उदाहरण हैं। फिर राजनीतिक दलों की चुनौतियाँ, आम जनता इस बात पर नजर रहती है कि राजनीतिक दल अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते हैं और राजनीतिक दलों की आलोचना करती हैं। फिर पार्टी के भीतर जो है आंतरिक लोकतंत्र ना होना, लोकतंत्र का अर्थ है कि कोई भी फैसला लेने से पहले कार्यकर्ताओं से परामर्श किया जाए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसमें ऊपर से नेता ही सभी फैसले लेते हैं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी बनी रहती है, इस तरह से जनता के लिए हानिकारक सिद्ध हो जाता है। पार्टी के बीच आंतरिक चुनाव भी नहीं होते हैं क्योंकि सारे निर्णय जो है बड़े नेता ही करते हैं, पार्टी के नाम पर सारे फैसले अधिकार उस पार्टी के हथियार लेते हैं। फिर वंशवाद, इस जो है राजनीतिक पार्टियां पारदर्शिता के काम कर नहीं करते हैं और ये अनुचित तो नजदीकी लोगों को ही, अपने परिवार के लोगों को ही पार्टी में शामिल कर लेते हैं या नेता बना देते हैं। फिर पैसा और अपराधी तत्वों की घुसपैठ जो है वह बढ़ती जा रही है क्योंकि अपराधी तत्व जो है यह विशेषकर पार्टियों में घुसपैठ कर चुकी है। तो देखिए पार्टियों के बीच विकल्पहीनता, कई पार्टी में ऐसे हैं जो कोई विकल्प ही नहीं होता है, राजनीतिक विकल्प की कमी है जिसमें कि नई नई विधि जो है पेश करने के लिए कुछ नहीं होता है। फिर राजनीतिक सुधार लाने के लिए विभिन्न दलों के नीतियां कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, जैसे कि आजकल दलों के बीच वैचारिक अंतर कम हो गया है, बड़ी पार्टियों के बीच आर्थिक मामलों का बड़ा कम अंतर हुआ है। फिर अलग अलग नीतियां चाहते हैं जिस नए विकल्प उनके पास उपलब्ध नहीं है और अच्छे नेताओं की कमी पाई जाती है। राजनीतिक दलों को सुधारने के कुछ उपाय दिए गए हैं, जैसे राजनीतिक पार्टियों में नेताओं में सुधार लाने के कुछ उपाय नीचे दिए गए हैं। अब जैसे कि दल बदल कानून, दल बदल कानून भी बहुत ही आवश्यक है जिससे कि लोग आसानी
दल बदल कानून, जिसमें कि इस कानून राजीव गांधी सरकार के समय में पास किया गया था, जिसके मुताबिक यदि किसी विधायक या सांसद पार्टी बदलता है तो विधायक या संसद सदस्यता समाप्त हो जाती। इस तरह से दल बदल को कम करने के लिए काफी मदद मिली थी, लेकिन इस कानून में पार्टी विरोध के स्तर इतना उठाना मुश्किल कर दिया था, क्योंकि इसमें सांसद विधायक को हर बात माननी पड़ती थी जो पार्टी के नेता का ही निर्णय होता था। और दल बदल कानून होने से ये होगा कि व्यक्ति जो है आसानी से दूसरे दल में शामिल नहीं हो सकता है। लेकिन नामांकन के समय जो है संपत्ति और क्रिमिनल केस का ब्यौरा देना, चुनाव के समय जो होते हैं कई उम्मीदवार होते हैं, चुनाव लड़ने से पहले उम्मीदवार को अपना यह अनिवार्य होता है कि नामांकन भरते समय वह शपथ पत्र में संपत्ति और उस पर चलने वाले क्रिमिनल केस का ब्यौरा हो, जनता के पास उम्मीदवार के बारे में अधिक जानकारी होती। लेकिन उम्मीदवार द्वारा दी गई सूचना की सत्यता को जांचने के लिए अभी भी कोई सिस्टम नहीं बना है, क्योंकि इस कारण आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी राजनीति में शामिल हो जाते हैं। फिर अनिवार्य संगठन चुनाव और टैक्स रिटर्न। अनिवार्य संगठन चुनाव के जो रिटर्न, चुनाव आयोग जो है वह अपनी पार्टियों के लिए संगठन का चुनाव करती है, टैक्स रिटर्न के लिए अनिवार्य कर दिया है, राजनीतिक पार्टी इसे शुरू कर दिया है, लेकिन अब भी महज औपचारिकता के रूप में इसको लिया जा रहा है। इस तरह से हम देखेंगे कि जो है दल राजनीतिक दल में ये सारी चीज़ें जो है, ये राजनीतिक दलों को सुधार करने के लिए ये होना बहुत ही आवश्यक हो गया है।